संस्कृत भाषा के बारे में जब भी चर्चा होती है विद्वानों के बीच में, अध्यापकों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, तो विगत कई वर्षों से ये मुझे सुनने को मिला, विशेष रूप से छात्रों से, कि सर आप संस्कृत हमें क्यों पढ़ाते हैं। मैंने पूछा, संस्कृत क्यों पढ़ाते हैं? हाँ सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज हम इसका क्या यूज है सर, क्या प्रयोग है, हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकती है। वास्तव में ये प्रश्न उनका बड़ा उचित है। कारण ये है कि हम अपनी तरफ से इस भाषा की जीवन में उपयोगिता या वैज्ञानिकता की बात को न बता करके सीधे हम पढ़ाने की तरफ बढ़ जाते हैं। वास्तव में समय का बदलाव कह लीजिए, जरूरत कह लीजिए, आज आदमी वही काम करता है जो उसके लिए उपयोगी होता है। अगर वो अनुपयोगी है तो कुछ नहीं होगा। वैसे भाषा भी है, अगर भाषा का विद्यार्थी के लिए कोई उपयोग नहीं है तो मात्र रट करके उसे अंक लेकर के उसके लिए जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। एक दिन मैंने एक प्रयोग किया और अपने विद्यार्थियों के बीच में कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुन करके उन्हें आश्चर्य हुआ। पहली बात तो ये है कि इसमें जो भाषा में जो हमारे विज्ञान है, इसकी वैज्ञानिकता है, इस पर जब मैंने चर्चा किया तो उनको लगा कि सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनका, सर साइंस की बात संस्कृत में कहाँ से आ गई? सर जब सत्यनारायण की कथा सुननी होती है तो पंडित जी को बुलाते हैं, या कुछ सुबह शाम अम्मा या मम्मी या माता पिता कुछ बोलते हैं कि जाइए भगवान के सामने खड़े हो जाइए, कुछ बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता और हमें लगता है कि बस हो गया काम। मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि विश्व के कई देशों में इस भाषा को, इस भाषा पर कार्य हो रहा है और इस भाषा का विज्ञान इतना समीचीन है कि इतने वर्षों के बाद भी आज के वैज्ञानिक इस भाषा के अंदर जो विज्ञान है उस पर चर्चा और उस पर कार्य करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं। फिर विद्यार्थियों की तरफ से एक साथ हाथ उठे, सर हमें आज तक कोई ऐसा नहीं मिला। मैंने उन्हें बताया कि आपने सर्जरी का नाम सुना है? बोले हाँ सर, कुछ टूट फूट हो जाती है, सर्जरी करते हैं। मैंने कहा आपने क्या समझा इससे कि ये देन कहाँ की है? बोले सर पश्चिम की देन है, वेस्टर्न कंट्री की देन है। मैंने कहा विश्व में सबसे पहले अगर सर्जरी पर, शल्य चिकित्सा पर कोई बात हुई है तो संस्कृत भाषा में हुई है। और मैंने उन्हें बताया कि अमेरिका के एक शहर में मेडिकल कॉलेज के सामने लिखा हुआ है कि यह शल्य चिकित्सा जो अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध है इसका श्रेय भारत को जाता है और भारत के संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान शल्य चिकित्सक हुए हैं सुश्रुत। उन्होंने इस विषय पर बहुत विस्तार से अपने ग्रंथ में चर्चा की है। इसकी वैज्ञानिकता की जहां तक बात है, अगर आप इसकी वैज्ञानिकता के पर देखें, बहुत विशद चर्चा मैं नहीं करना चाहता, जिस ब्लैक होल की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है, जिसके गुरुत्वाकर्षण की बड़ी चर्चाएं हैं कि वह इतना उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि बड़ी से बड़ी चीज यानी प्रकाश भी वहां पर टेढ़ा हो जाता है, उसका वर्णन नाशदीय सूक्त में कृष्ण विवर के रूप में हमें मिलता है। तो जरूरत यह है कि हम इसके अंदर छिपे, इस भाषा के अंदर छिपे विज्ञान को समझें और उन्हें आज के संदर्भ में लोगों के सामने ले आए और उनका, उनमें जो विज्ञान है, संस्कृत में विज्ञान है, विज्ञान में संस्कृत नहीं है लेकिन संस्कृत में विज्ञान है, उसकी वैज्ञानिकता सर्वसिद्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि आज हम उस ज्ञान को भूल चुके हैं और उसे फिर से खोलने की जरूरत है। एक बार हम सबको ये
अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इतनी बड़ी इतनी इतने व्यापक रूप में प्रचलित यह भाषा मात्र किसी कर्म कांड के लिए नहीं थी। कर्म कांड उस भाषा का एक विषय था, अंग था। उस पूरी तरह से मत समझ लीजिए कि केवल कर्म कांड ही है, उसकी वैज्ञानिकता बहुत ही समीचीन है, बहुत ही